का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर खर्चा ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर पाऊंगी कैसे शॉपिंग कर पाऊंगी कैसे नई नई साड़ियाँ पाऊंगी क्या अकेले के लिए बड़बड़ा रही हो जरा मुझे भी तो बताओ क्या पता मैं ही आपकी परेशानी का हल कर बस <laughs> यही दिन देखना रह गया था देखा रहे पूछ कर अपनी परेशानियों का हल करूँगी मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी चलो जब आपको मेरी मदद ही नहीं चाहिए

माना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती मगर क्या पता कुछ ना कुछ तो कर ही दू मैं क्या बताऊं? बहू खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है जितना हमारा खर्चा हो रहा है समझ नहीं आ रहा खर्चे को मैनेज कैसे किया जाए जा, इतनी सी बात ये तो आप मुझे पहले बता सकती थी बेटा अगर मैं तुझे बता देती तू तो क्या कर लेती अभी तो दो बच्ची है अगर मैं तुझे कोई प्रॉब्लम बता भी दूंगी कामों का टेंशन ले लेगी हमें तो बुढ़ापा आ गया है अब हम बूढ़े हो चुके हैं टेंशन लेने की आदत सी हो चुकी है तुम तो अभी जवान बच्चे हो बेटा अगर तुम्हें मैं टेंशन दे दूंगी तो तुम भी मेरी तरह बीमार नहीं हो जाओगी हो जाओगे माँ जी ज्यादा परेशान मत होइए आपकी परेशानी का हल है मेरे पास सच में सच कह रही हो बहू अरे हाँ माँ जी बिल्कुल सच कह रही हूँ आपने सुना है दिल्ली में वो लड़की जो बड़े पाव के नाम से बहुत फेमस हो रही है क्यों नहीं हम भी बड़ा पाव की दुकान खोल लेते हैं क्या कहती हो माँ जी तो हमसे बड़ा पाव कौन खरीदेगा वो लड़की तो इतनी फेमस हो चुकी है अब बताओ अगर हम भी स्टॉल खोल लेंगे तो कौन हमारा बड़ा पाव खरीदेगा अरे माँ जी आपको पता नहीं है क्या उस लड़की को इतने लोग फॉलो करते हैं कि पर दिन भर भीड़ लगी रहती है एक बड़ा पाव खाने के लिए कम से कम एक हजार लोगो की लाइन लगी रहती है अब ये बताओ कि वो लड़की एक हजार लोगो को एक साथ तो नहीं देती होगी लाइन में लगाकर एक एक करके बड़ा पाव बेचती है अच्छा ये बात है। फिर हाँ माँ जी जो एक हज़ार लोगों की लाइन है ना वो घंटे घंटे इंतज़ार करती है वहाँ खड़े होकर ताकि उनका नंबर आए और वो वड़ा पाव खरीदे अब देखो जो लोग स्पेशल उसी के लिए आए होंगे वो तो नहीं आएंगे हमारे स्टॉल पर मगर जो लोग एक्चुअल में वड़ा पाव खाने के लिए आएंगे उनको उससे क्या मतलब कि कौन फेमस है कौन नहीं वो तो हमारे स्टॉल पर भी आ सकते हैं ना लाखों लोगों ने खोल ली है माँ जी बहुत लोगों ने तो उसको देख देख कर अपने वड़ा पाव की दुकान खोल ली है तो जब सब मौका उठा रहे हैं तो क्या हमें नहीं हमें नहीं उठा लेना चाहिए मगर बेटा हम अपने बड़े पाव का नाम क्या रखेंगे माँ जी एक बार दुकान तो दीजिए बड़े पाव की फिर देखना धीरे धीरे नाम भी रख लेंगे अभी तो हम अपना काम कर लेते हैं ठीक है माजी और हाँ उस लड़की का बड़ा पाव जितना भी होगा जितने रुपए का भी होगा उससे हम दस रुपए सस्ता देंगे ठीक है माजी तभी हमारी बात अच्छी होगी बेटा अगर हम दस रुपए सस्ता माल बेचेंगे तो हमारा माल खरीदेगा कौन वो तो ये कहेंगे ना की दस रुपए सस्ता है इसका मतलब बेकारी है और नुकसान भी तो हमें ही बनना पड़ेगा ना हाँ जी इतना मत सोचिए चलो चल चलकर स्टॉल लगाते हैं ससुर जी से पूछ लीजिए मैं भी अपने उनसे पूछ लेती हूँ हाँ तो तो है। है, कल से हम अपने बड़े पाव की दुकान खोलेंगे ठीक है बेटा बहू तुम्हारे कहने से मैंने कार्ड तो खोल लिया मगर कोई बड़ा पाव खरीदने आएगा भी अरे जी इतनी जल्दी हार क्यों मानने लगती है आप अभी तो स्टार्ट हुआ है देखना धीरे धीरे बहुत लोग आने वाले हैं और वो भी लाइन में लगकर समझी माँ जी चलो माँ जी चिल्लाते हैं तभी लोगों को पता चलेगा कि बगल में भी दूसरा कार्ड खुल चुका है आइए आइए दिल्ली का फेमस मशहूर बड़ा पाव खाइए आईये आइए दिल्ली का मशहूर फेमस बड़ा पाव खाइए। ऐसा बोलने में अरे माँ जी जितने की शर्म उसके फूटे कर्म आइए आइए दिल्ली का फेमस मशहूर वड़ा पाव खाइये आइए आइए बहन जी मुझे भी एक बड़ा पाव दे दीजिए और दो पैक कर दीजिए पैसे कितने का है बड़ा पाव बीस रूपए का अभी पैक करती हूँ आंटी आंटी मुझे भी एक पड़ा पाव दे दीजिए मुझे पाँच पैक कराने हैं और दो खाने हैं बहुत लगी है बहुत सोचा नहीं था उतने लोग आ रहे हैं जल्दी जल्दी बना कर दो वर्णा यहाँ भी दो तो घंटा लग जाएगा बनाने में अरे माँ जी फिक्र मत कीजिए मैं सब अच्छे ऐसी कर दूंगी छोटो जल्दी ऐसी इनका पड़ा पाव पैक कर दो और जिनको खाना है उनको जल्दी ऐसी लगा दो बहन जी बड़ा पाव पैक कर दीजिए मुझे अपने बच्चों के लिए घर ले जाना है दूसरी दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी है देखो पीछे कितनी भीड़ लगी है कल तक नंबर नहीं आएगा इसीलिए सोचा बच्चों ने जिद की तो लाओ यहीं से ले चलूं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अभी करवाती छोटू जल्दी से इनके लिए भी बड़ा पाव पैक कर दो इनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे बहन जी आप तो बहुत अच्छे से बात करती है उस लड़की को तो टाइम ही नहीं मिलता बेचारी इतना काम जो करती है ना कोई नहीं बहन जी आप हमारी दुकान से ले जाइए जब भीड़ कम होगी तो उस लड़की से भी ले लेना ठीक है। आंटी मुझे भी पाव दे दीजिए मुझे बहुत मतलब कि तुम बहुत समझदार होती जा रही हो आज तुम्हारी समझदारी से हमने इतने पैसे कमा लिए इतना मैं पूरे महीने भी नहीं कमा पाती और हम रोज स्टॉल लगाएंगे ठीक है बाबू